महफिल सभी लोगों को मेरा आदाब नमस्कार। हमारी बड़ी कुछ नसीबी है जश्न अदब के इस मंच पर अपनी हाजिरी पेश करने के लिए आज़ादी के इस मुबारक अवसर पर हाजिर हुए हैं। कमाली को मद्देनजर रखते हुए जो हमारे घरानों का एक उसूल है उसको मद्देनजर रखते हुए कौले रसूल पाक से महफिल का आगाज कर रहे हैं। तो तमाम लोगों से इजाजत का तलबगार हूँ, आप लोग इजाजत से लगा दीजिए। मेरी वॉइस मॉनिटर से बना दें, मुश्किल कुशाए शेर यज़दान पैगंबर पर सरे मिंबर नसिश्तो खान मौला यश मान कुल
बनाया जो नजर कर रहा हूं
बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ये चार मिसरे खड़े हो जाओ भाई के। बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, बहती है ये प्रेम की गंगा बहने दो, तू करते हो देश में दंगा बहने दो, तू करते हो देश में दंगा बहने दो, छत के ऊपर एक तिरंगा लहरे दो, जापान से मतलब है हमको, पहला पाकिस्तान से मतलब है हमको, इस धरती के बाशिंदा है हम आतिन, हम आतिन, इस धरती के बाशिंदा है हम आतिन, अपने हिंदुस्तान से मतलब है हमको, चट्टान बना दे अल्लाह, कशी है इंसान बना दे अल्लाह, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाए, ऐसा हिंदुस्तान बना दे अल्लाह। मंजिले मकसूद ही ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से हो यही इस्लाम कहता है, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं, हम अपने दिल के हर गोशे में हिंदुस्तान रखते हैं। जो अपने वतन से प्यार करते हैं उनके लिए, हम तमाम लोगों के लिए ये चार हिस्से हैं कि है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है कलश पहचान और मीनार इसकी शान है, नाज है हमको हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, नाज है हमको हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, इससे हम लोगों का रिश्ता मर के भी टूटा नहीं, हम है इस मिट्टी की धरती हमारी जान है, मतलब दूसरी मदद कर रहा हूं, हमारा है ये भारत देश।
मेरा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे, मोहब्बत ही से चलता है निजाम में, जहां सुनो मोहब्बत का ही सिक्का चलता है सारे जमाने में। ये नफरत रख के दिल में तुम सुकून से जी नहीं सकते, मोहब्बत से महक आती है दिल के आशियाने में। सभी अहले वतन सुन ले मुझको, हिंद या मुस्लिम, जरा गीता को पहले तर्जुमा पर आन का कर लो। बताओ फिर मुझे किस धर्म ने सिखलाई है नफरत, कहा किसने कि तुम से हो से धरती लाल तुम कर लो। कभी क्या राम जी ने बेकसों पे जुल्म उठाया था, गरीबों पर कभी क्या शस्त्र गहना ने चलाया था, गुरु गोविंद जी ने क्या निहत्तों को कभी मारा, सबक किस दम गुरु नानक ने नफरत का सिखाया था। मुसलमानों से भी मैं पूछता हूँ तुम भी बतला दो, कहे इस्लाम का क्या मर्तबा दुनिया को बतला दो, हदीस मुस्तफा क्या है जरा तुम मुझको समझा दो, सहाबा ने कभी क्या जुल्म उठाया मुझको बतला दो, किसी मजहब ने जब के जुल्म करना ही न सिखलाया, फिर आपस में भला क्यों लड़ते हो इतना कहो भाई, वो जब तुम राम वाले और मोहम्मद मुस्तफा वाले तो फिर भूतान और रावण की फितरत तुमने क्यों आई। तुम लड़ने से जाओ लड़ाई के लिए मिलकर सभी सरहद पे तुम जाओ, अली की तरह हम दिखलाएंगे तलवार के जौहर, तुम अर्जुन की तरह सब दुश्मनों पे तीर बरसाओ, मगर आपस में तुम एक दूसरे की जान बन जाओ। ये भारत माँ है सबकी माँ, तुम इस पर जुल्म मत ढाओ, मोहब्बत से आशिश तुम सभी को इतना समझाओ, ये भारत देश रंजीत भाई। ये तिरंगा देखते हुए सीधे मिश्रा याद आया, मेरे देश की धरती मेरे देश की धरती सोना बंदे बंदे मेरे पढ़ी हुई है गजल बहुत ज्यादा वायरल है, शायद आप लोगों ने कभी सुनी हो, मैं नजर कर रहा हूं। अपनी लिखी हुई तकदीर पे हंस लेते हैं,
दिल के जज्बात को जंजीर से कस लेते हैं। ये मेरा अपना तजुर्बा है, वक्त आने पर सांप तो सांप है इंसान भी कस लेते हैं। अधूरे आदमी से हम अधूरी बात करते हैं, मुसाफिर हैं सफर चालाकियों के साथ करते हैं। वो मेरे दोस्त हैं लेकिन मेरे दुश्मन से बदतर हैं, बुराई मेरे पीछे जो मेरी दिन रात करते हैं। खुदा महफूज रखे ऐसे लोगों से कयामत तक जो अपने दोस्तों से दुश्मनी की बात करते हैं। परीक्षा हार हो जाएंगे, हंसना भूल जाएंगे, ये बादल एक दिन हम पे बरसना भूल जाएंगे। अगर किरदार इंसानों का सांपों को बता दो मैं, यकीनन शर्म से ये सांप कसना भूल जाएंगे। बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाए, मगर कमजर्फ के हाथों से हम मरहम नहीं देंगे। बला से जख्म दिल रिश्ते हुए नासूर बन जाए, मगर कमजर्फ के हाथों से हम मरहम नहीं लेंगे। जिन्हें तू दोस्त कहता है उन्हीं से तुझको बचना है, ये बदले में तो बदला दुश्मनों से कम नहीं लेंगे। मच शीशा टूटे उल मच जाए, शीशा टूटे दोस्त बचाए, सांप डसे तो
बड़ों से तरह में जाऊंगा। उड़ू सर में समाया नहीं है सर वरना बुलंदियों से कभी का उतर गया होता। मुझे तो जिंदा मेरे दुश्मनों में रखा है, मुखालफत नहीं होती तो मर गया होता। छोटा सा तजुर्बा है, मैं बहुत चाहूंगा कि मुझे कंप्लीटली 2024 में 24 साल कंप्लीट हो गए इस फील्ड के अंदर। छोटी सी उम्र से मैंने परफॉर्म किया है तो मेरा एक तजुर्बा है, तकी शेर होती के इन चंद मिस्रों में नजर करवाऊ। मेरे मोहसिन हो तो शकील बदायूनी साहब है। हंगामा हम से तंग आकर इजहार मसरत कर बैठे। मशहूर थी अपनी जिंदा दिली दानिस्ता शरारत कर बैठे। हर चीज नहीं एक मरकज पर, एक रोज इधर एक रोज उधर। नफरत से न देखो दुश्मन को, शायद वो मोहब्बत कर बैठे। दुश्मनों से मोहब्बत करो, मोहब्बत करो। इन रत में धोखा
बहुत सारे खेल हैं इसके, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो मेन खेल है वो नजर कर रहा हूँ। एक टॉपिक आजकल मुझे ज्यादा अजीज है, जिसका जो टॉपिक का नाम है माँ। नजर कर रहा हूं, एक चार मिसरे याद आ गए। नदी के पास में घर है, गमों का पाला है, खबर मिली है कि सैलाब आने वाला है, कोई बला मेरे नजदीक आ नहीं सकती कि मेरी माने बलाओं ने मुझको पाला है। घड़ी भर भी मुझे तनहा कभी होने नहीं देते, ये मेरे चाहने वाले मुझे रोने नहीं देते, मेरे सर पे मेरी माँ की दुआओं के जो साए हैं, सफर में ये कहीं भी हादसा होने नहीं देते। अभी रिसेंटली मेरी वालिदा का इंतकाल हुआ, चार से अदनान कानपुरी साहब कहें कि आसमानों की हंसी रंगत से जाकर मिल गई, घर की जीनत खुद की जीनत से जाकर मिल गई, माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा एक जन्नत दूसरी जन्नत से जाकर मिल गई। माँ ने जब पर्दा किया दुनिया से मुझको यूं लगा, क्योंकि अपना दीवार कोई और ना कर बाकी है, फिर भी महसूस ये होता है कि घर बाकी है, हार जाऊं मैं कोई जब भी ये मुमकिन ही नहीं, जब तक माँ की दुआओं का असर बाकी है। मैं छोटी सी उम्र से बाहर रहता हूँ, ट्रैवलिंग में रहता हूँ, तो मैंने अक्सर इस बात को नोट किया है, चंद मिसरे हैं, सुनने वाली बात है। छप देखी
से नैना 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 से नैना 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 से नैना नैना नैना
गिरागीर तो देखो, क्योंकि उनकी आंखों का काजल तो देखे कोई, ऐसा लगता है कश्मीर में रात है। रिंद देखे तो हो मैं कदे का घुमा, अल्लाह अल्लाह इन आंखों की क्या बात है। राहगीर तो देखो, दिल क्यों न गिरफ्तार हो, तस्वीर तो देखो, काली काली जिनको के साथ साथ